इट्स फॉर द फाइनल ईयर एडमिशन, इट्स नॉट फर्स्ट ईयर एडमिशन। कैसे हो दिया ही नहीं है ऐसा, बट ये पता होना चाहिए। हम लिखे फर्स्ट सेमेस्टर का एनरोलमेंट जनवरी में और क्वेश्चन पेपर हम बनाएंगे, उनके पास में एक नंबर का भी नहीं है। और एग्जाम सेंटर फाइव मार्क्स फॉर डिसिप्लिन या समथिंग, एंड फॉर द एग्जामिनेशन सर यहाँ होगा, एग्जामिनेशन वो कंडक्ट करेंगे। हाँ, और हम पेपर जो है 15 मिनट पहले और या आधा घंटे पहले कंप्यूटर से जनरेट करेंगे और वो मल्टीप्लाई करके देंगे बच्चों को, और एग्जामिनेशन सेंटर हॉल वहीं होंगे और हमारे आदमी उसको चेक करेंगे। बाहर भी होंगे, उनके सेंटर पर भी होंगे, यहाँ दिल्ली पर यहाँ आ सकते बच्चे। तो हम लोगों के जो है जब एग्जामिनेशन हो रहे हैं तो स्क्वाड जाएगा। This is the thing. और हम इवैल्यूएट करेंगे आंसर ब्रेकिंग स्टडी, मतलब इट मींस वन ईयर ग्रेजुएशन जो लिटरल एंड में कि फर्स्ट ईयर में क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ओरिजिनल। हाँ, ओरिजिनल सर्टिफिकेट हमारे पास रहेगा, डिग्री नहीं कंप्लीट होती है या जब तक वो छोड़ नहीं जाता। फिर तो सर वो कहीं और जैसे अप्लाई करेगा तो उसको तो दिक्कत आएगी। पासपोर्ट सर, तो पासपोर्ट वगैरह के लिए अप्लाई में करेगा तो ले लेगा कॉपी जो है। ये डिग्री करने वाले एम्प्लॉयज होते हैं, हाँ मोस्टली डिस्टेंस में एम्प्लॉयज होते हैं, वो कहीं नहीं जाते, उन्हें सर्टिफिकेट चाहिए बस प्रमोशन के लिए, दैट्स ऑल। तो वो बिल्कुल उसी तरह से होगा, अब बिल्कुल जरा भी नहीं होगा। अब मैं ये नहीं कह सकता कि कोई मैनिपुलेशन, हमने इंडिजिनेशन में पहुंचे तो उसने नकल ही करा दी, मेरे यहाँ नहीं ले सकता, नहीं बिल्कुल 100% नहीं। अगर कोई केस आपको मालूम हो तो मुझे